हेलो बच्चों, मैं आपकी दोस्त साशा। आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी, तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन एक जंगल में एक हाथी और बिल्ली रहते थे। वो दोनों दोस्त थे। हाथी कभी भी बिल्ली को दुख देने का नहीं सोचता था। वो सोचता था कि बिल्ली को कभी भी कोई खतरा ना हो। एक दिन जंगल में आग लग गई। जंगल के एक कत्ते को आग की गिरफ्त से बचाने की जरूरत थी। हाथी ने जंगल के उस कत्ते को पकड़कर बिल्ली को बुलाने के लिए कहा। बिल्ली ने सोचा कि वो छोटी है और उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने जंगल के उस कत्ते को जहां आग लगी थी अपनी दोस्त की मदद से बचा लिया। बिल्ली ने आग बुझाने की कोशिश की और जंगल के दूसरे जानवरों को भी आगाह किया। इनकी मदद से आग बुझ गई। इस दिन के बाद हाथी ने समझा कि छोटे साइज का भी कोई बड़ा काम कर सकता है, और बिल्ली ने सबको ये सबक सिखाया कि हमारी मदद किसी भी वक्त अहम हो सकती है। उसके बाद हाथी और बिल्ली ने एक दूसरे की मदद करने में अपना वक्त गुजारना शुरू किया और वो दोनों खुश रहने लगे। उसके साथ ही वो जंगल के दोस्तों को भी ये सीखने का मौका देते कि मदद करना कितना अहम होता है और इससे हमें अच्छे रिश्ते बनाने का मौका मिलता है। उसके बाद से जंगल के सब जानवर खुशी से एक साथ रहने लगे और मदद करने में एक दूसरे की मदद करते रहे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की मदद करना और दूसरों के साथ मिलकर रहना हमें खुशी और तालीम देने वाला होता है। उम्मीद है प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यारा सा वीडियो पसंद आए होगा। अगर हाँ तो इसे थम्स अप दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।